सच्चा झारखंड, मैं झारखंडी वालिना फिर से आप लोगों के सम्मुख खुड़ी की जन समस्याओं को लेकर मैं आया हूँ। विशेषकर मैं ये चुनावी महापर्व के कुछ बातों को चर्चा के करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सचेत हो जाइए। आप एक स्वतंत्र लोकतंत्र का पालन करते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते। आज ये सत्ता पक्ष, चाहे गठबंधन हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, लोकतंत्र लोकतंत्र कहते कहते लोकतंत्र का खात्मा करने पे उतारू हो चले हैं। 5 साल 10 साल 70 साल से इन्होंने राज सुख भोगा, इनके दादाओं आजाओं ने। लेकिन जब जनता जाग चुकी है और चुनाव लड़ने के लिए मैदान पे उतरना चाह रही है, तो विभिन्न प्रकार से षड्यंत्र करके मेरे भाइयों इनका नॉमिनेशन पत्र को रद्द किया जा रहा है। कभी 22 फार्म का बहाना करके, कभी 23 फार्म का, कभी 24 का फार्म का बहाना करके, और जो सत्ता पक्ष या विपक्ष का फ़ायदा उठाने के लिए, लाभ दिलाने के लिए मैदान में उतरे हैं चुनावी रण क्षेत्र में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उनके भले वो 5वीं या 10वीं पास हो, मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं हो, यहाँ तक कि एक विधायक बनने लायक भी नहीं हो, जो आज झारखंड बन के बैठे हैं, तो कहाँ हमारे झारखंड के लोगों का विकास कर पाएंगे, कहाँ हमारे बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को हम चुनते हैं और बैठा देते हैं गद्दी में, और पार्टियों को ये अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं। बोलते हैं कि हमारे पार्टी से तुम निकल जाओ, गांडे विधानसभा से तुम इस्तीफा दे दो। ये स्थिति बना के रखे हैं। 5 साल 10 साल 14 साल 24 साल 70 साल से ही लोग राजपाट सेक रहे हैं। हम आदिवासियों को वोट बैंक बना के, हम दलित आदिवासियों को वोट बैंक बना के, हम बहुजन समाज को वोट बैंक बना के, लेकिन आज ये हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए, क्यों करना ही नहीं चाहते। सिर्फ खिचड़ी और अंडा दिला के हमारे बच्चों का भविष्य को बर्बाद करके सिर्फ झंडा ढोने के लिए इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। हमारे झारखंड का हीरा सोना चांदी को बेच के पूरा भारत, पूरा विश्व को चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे झारखंड के बच्चों को भूखा नंगा मारना चाहते हैं, सिर्फ झंडा धुलाना चाहते हैं ये लोग। और जब चुनाव लड़ने की बात आती है, जब चुनाव हम लड़ना चाहते हैं, जागना चाहते हैं, तो हमारे नॉमिनेशन को षड्यंत्र के तहत पूरी तरह लोकतंत्र का खात्मा, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, ये सरकार ये पार्टी अपने बाप का जागीर समझ रखी है, और हमें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ना की जा रही है। तो जो भी नॉमिनेशन कर रहे हैं इस चुनाव के दौरान, आप सचेत हो जाएं, नहीं तो ये सही आदमी लोग नहीं। इनका नाम को जो भी नीचा से नीचा आप दर्जा दीजिए, वर्ड ही नहीं है क्या नाम संबोधन किया जाए। सो दैट मेरे प्रिय भाइयों बहन, आपको जागने की आवश्यकता हो। जय झारखंड, जय हिंद। जागो, उठो, लड़ो और संघर्ष करो, जब तक मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। इस झारखंड में परिवर्तन होनी चाहिए, और ये तब ये भारत को एक दिशा आप दे सकते हैं, क्योंकि बिरसा भगवान जयपाल से मुंडा कार्तिक उराव इसी धरती से पैदा हुए, ये निहरों जो झारखंड राज दे के गए, और उसी झारखंड राज में हम खेल कूद रहे हैं। जोहार, जय हिंद। मैं बाहलिंडा, प्योर झारखंड।